नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पहले नेपाली सरकार को लेकर राजनीतिक अस्थिरता, फिर अपने स्वार्थ के लिए भारत को कोसना और अपनी कुर्सी बचाने के जुगत में लगे नेपाली पीएम केपी ओली। अभी यही चल रहा था कि कोरोना आ गया और इसको लेकर नेपाली जनता नाराज हो गई। फिर उसके बाद नेपाली पीएम का भ्रष्टाचार भी सामने आने से जनता और गुस्से में आ गई और केपी ओली को हटाने की मांग करने लगी। अभी यही सब चल ही रहा था कि एक बार फिर नेपाल अस्थिरता की ओर जाने लगा। जी हाँ, नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल के बीच अभी विवाद सुलझा नहीं कि चीफ जस्टिस को लेकर नया बवाल पैदा हो गया। नेपाली सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे। हजारों की संख्या में विरोध कर रहे लोग चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की मांग कर रहे। विरोध कर रहे लोगों की माने तो 2012 में पत्नी की हत्या के दोषी डीआईजी रंजन कोराला को हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ डीआईजी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा ने डीआईजी रंजन कोराला की बाकी की सजा माफ करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। फिर क्या था, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़क पर आ गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा और डीआईजी रंजन कोराला करीबी दोस्त हैं, इसीलिए उनकी बाकी की सजा माफ कर उन्हें रिहा किया गया है। केस के अनुसार पारिवारिक कलह के कारण 2012 में डीआईजी रंजन कोराला ने काठमांडू के सरकारी आवास पर अपनी पत्नी गीता की गला घोटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद डीआईजी कोराला ने गीता के शव को टुकड़ों में काटकर पास के जंगल में ले जाकर उसे जला दिया था। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए डीआईजी ने शव के जले हुए टुकड़ों को गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया था। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डीआईजी पर जब अपनी पत्नी की हत्या के आरोप लगे, तब वो उस जंगल में बार बार जाने लगे जहां उन्होंने शव के टुकड़ों को जमीन में गाड़ा था। उन्हें शक था कि कहीं कोई टुकड़ा बाहर ना छूट गया। उनके बार बार जंगल आने की वजह से स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने डीआईजी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बाद में तहकीकात के दौरान शव के टुकड़े जमीन से बरामद हो गए। इसी वजह से जनता गुस्से में है और विरोध कर रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है।